दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं, इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे, वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? एक परिवार, एक पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, उनकी मौत हो गई, उनके चार बच्चे हैं, चारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का को मारने पे आतुर हैं, क्या वो परिवार प्रगति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पिताजी जो कमा के गए थे, वो भी खत्म कर देगा परिवार, चारों बच्चे उसको भी उजाड़ देंगे। लेकिन एक परिवार जिसमें चारों भाई मिलके परिवार में एक साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो परिवार तरक्की करता है। अगर हमें विश्वगुरु बनना है, अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर वन देश बनना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा, 140 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह रहना पड़ेगा। आज हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटेंगे हम अगर हम आपस में लड़ते रहे तो?